Good morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Very good. तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना. और अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना दें. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने आपको कल भी बोला था कि आप लोग जो है बुक जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए स्कूल पे जाके, क्योंकि बिना बुक के आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती है ना. बुक इज वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी सारे बुक्स खरीद लेंगे. ठीक है, चलिए तो अब अगर आप लोगों ने अटेंडेंस बना लिया है तो लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए तो पिछले क्लास में मैंने आपको कलेक्टिव नाउन और कौन सा नाउन पढ़ाया था, हाँ कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ लिया था. तो मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ा था हम लोगों ने, है ना. तो उसके साथ मैंने आपको डिफिनेशन भी लिखाया था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी लिखवाए थे और साथ में कैटेगरी के हिसाब से भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिखाया था मटेरियल नाउन का, है ना. और उसे मैंने याद करने के लिए भी बोला था, और जिन बच्चों ने पिछला वाला याद नहीं किया था उनसे मैंने बोला था कि वो दोनों याद करेंगे. तो आई होप कि आपने याद किया होगा और सुनाया भी होगा घर पे. और जिन बच्चों की क्लासेस छूट गई हैं वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे, पहले सारा जो पीछे का छूटा हुआ उसको नोट करेंगे, याद करेंगे, फिर आज जो मैंने लिखा है उसको भी नोट करेंगे. ओके, चलिए तो आज जो है हम लोग लास्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ नाउन में बच गया था है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, और हाँ मैंने जो उस दिन होमवर्क दिया था आपको बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो चलिए उसे मैच करते हैं. ठीक है, जो उस दिन का आपका होमवर्क था मैंने आपको दिया था कि आपको बताना था कि वो कौन सा कॉमन नाउन है ना, कि अगर मुंबई है तो वो किस कॉमन नाउन का नाम है, तो दैट मीन्स सिटी. इसी तरीके से मैंने 5 या 6 दिया था, तो अभी मैं मैच करवाऊंगी तो आप लोग मैच कर लेंगे. तो जिन लोगों का सही है वेरी गुड, बट जिन लोगों का गलत बन जाएगा है ना, मिलाने पे आपका अगर वो वैसा नहीं है तो आप लोग उसे मिटा करके ठीक करेंगे. ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो डायरेक्टली लिखेंगे. चलिए तो पहला तो था मुंबई, जो कि मैंने आपको बताया ही था. मुंबई क्या है, कौन सा कॉमन नाम है, सिटी. फिर आपका था गंगा, गंगा क्या है, तो गंगा आपकी नदी है ना. यहाँ पे क्या लिखा है, रिवर. अब था आपका अप्रैल, अप्रैल में आपने क्या लिखा है बता सकते हैं, अप्रैल में आपका लिखा है मंथ्स में ना, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मंथ, मतलब महीना, अप्रैल मंथ है. अब है आपका इटली, तो इटली क्या है, देश है ना, कंट्री. था आपका क्रिसमस, क्रिसमस क्या है, फेस्टिवल है. फिर था आपका ताजमहल, वो क्या है, मॉन्यूमेंट है. होमवर्क है था, इसको
को अभी पहले आप लोग मैच कीजिए, फिर मैं इसको वाइप करके आपको आगे पढ़ाऊंगी। चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने, गुड। अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ, ठीक है। चलिए तो अभी जो है हम लोग लास्ट जो काइंड्स ऑफ नाउन में बाकी रह गया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक और बात, ये क्लास जो है जैसा कि कल भी मैंने बोला था कि क्लास वन और टू दोनों के लिए है, ठीक है। तो ग्रामर जो है अभी वन और टू का कंबाइंड ही चल रहा है, दोनों को एक ही चीज पढ़ना है, इसीलिए साथ में मैं क्लास ले रही हूँ। कौन सा नाम है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जिसका मतलब क्या लिखाया था मैंने, भाववाचक संज्ञा, है ना। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स ए quality or an idea, मतलब कि abstract noun means a quality or an idea। भाववाचक संज्ञा जो है वो किसी विचार को या किसी quality को दर्शाता है ना, उसके नाम को हम कहते हैं कि किसी आदमी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, उस चीज को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। इसका एक और डेफिनेशन है, चलिए लिखते हैं उसको भी। और एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ वर्ड विच names something that we cannot see, hear, touch, smell or taste। ये आपका एक और डिफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, कि एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट वी कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट।
कहने का मतलब कि भाववाचक संज्ञा जो है वो एक ऐसी चीज को कहते हैं, कह सकते हैं, जिसे ना तो हम छू सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, है ना, ना ही उसे देख सकते हैं, ना ही उसे महसूस कर सकते हैं, है ना, तो सॉरी महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है किसी ना किसी भाव के बारे में ही बता रहा है। दैट मीन्स अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो ना तो आप गुस्सा को छू सकते हैं, ना उसे सूंघ सकते हैं, ना उसे उसका स्वाद ले सकते हैं, है ना, ना ही उसे देख सकते हैं, बस हम उसे फील कर सकते हैं कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप खुश होते हैं तो सेम बात है कि ना तो आपको उसे खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही उसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर की जो भावनाएं हैं, है ना, उसको एक्सप्रेस करता है। उसका एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलिए, इतना एग्जाम्पल काफी है, बहुत हो गया। जैसे कि चाइल्डहुड मतलब बचपन, हैप्पी खुशी, है ना, खुश होना, सैड मीन्स दुखी, एंग्री मीन्स गुस्सा, करेज मीन्स होता है साहस, है ना, आइडिया मीन्स विचार, ब्रेवरी मीन्स होता है वीरता, ऑनेस्टी मीन्स हो गया आपका ईमानदारी, और ट्रूथफुल मीन्स हो गया सत्य बोलने वाला, है ना, जो हमेशा सच बोलता हो। तो कहने का मतलब इनमें से जो भी चीजें मैंने आपको एग्जांपल में लिखवाई हैं, क्या आप उन चीजों को छू सकते हैं? नहीं ना। अब क्या आप अपने चाइल्डहुड को छू सकते हैं? नहीं, ना ही उसे देख सकते हैं, ना उसे सूंघ सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, बस उसे हम फील कर सकते हैं, है ना, कि हमने बचपन में ऐसे बिताया, ये किया, वो किया, मतलब उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे मन की भावना है। फिर आपका हैप्पी, जो हैप्पी के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो खुशी है उसे हम व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैड, एंग्री, ये सभी जो है, जो भी एग्जांपल मैंने लिखवाए हैं, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये जो मैंने डिफिनेशन दो लिखवाया है, फिर एग्जाम्पल्स बताए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ और पढ़ेंगे, ओके। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो
चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने इसे, गुड। अगर लिख लिया है तो मैं फिर उसको वाइप कर रही हूँ, ठीक है। चलिए तो अब जो है, क्योंकि हम लोगों ने रिवीजन में नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो अब लोग हम लोग जो है कुछ आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारा है प्लूरल। तो प्लूरल में जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा है ना, तो उसमें क्या पढ़ा है, यूज ऑफ एस एंड ई एस, है ना। हम लोगों ने एस लगा कर भी प्लूरल बनाए हैं, हम लोगों ने ई एस लगा के भी प्लूरल्स बनाए हैं, जैसे बुक का बुक्स, है ना, बेंच का बेंचेस। इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे प्लूरल्स लिखवाए हैं क्लास वन और टू दोनों को। तो आज जो है कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, है ना, प्लूरल्स का जो कुछ और बनाने का नियम है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए नोटबुक ओपन ही रखिएगा, और जब मैं लिखूंगी तो आप लोग भी लिखेंगे, लेकिन जब मैं समझाऊंगी तो पहले आप लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे यूज ऑफ आई ई एस। हमने एस और ई एस को पढ़ा है, यूज ऑफ एस, यूज ऑफ ई एस। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आई ई एस, कि किसी भी वर्ड में अगर आई ई एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है तो कैसे, और उसके नियम क्या क्या है, ठीक है। जैसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, फिर हम लोग आगे लिखेंगे भी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, बी ए बी वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, बेबी, है ना। अगर आप इसमें एस और ई एस लगाते हैं तो देखिए क्या बनता है, बी ए बी वाई एस, और अगर ई एस लगाते हैं तो ये। क्या आपने बेबीज जो है ऐसे और ऐसे कहीं भी लिखा हुआ देखा है, नहीं ना। तो ये जो है आपका दोनों जो है क्या है, गलत तरीका है, हाँ, एस और ई एस लगा के वाई वाले में कभी नहीं बनता है। तो इसको बनाने का नियम क्या है, बी ए बी, है ना, इतना तक रखेंगे, उसके बाद क्या आ रहा है, वाई। तो इसका रूल है कि वाई को हटा करके, है ना, वाई को रिमूव करना है, और वाई की जगह पे आपको लिखना है आई, है ना। उसके बाद जब आई लिख देंगे तब आप यस लगाएंगे, जो कि आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि बी ए बी वाई को हटा के आई लगाए, और ई एस बेबीज। अब आप देखिए एक और, ये क्या है, टी आर वाई ट्राई, है ना। तो ट्राई का जो ट्राइज बनेगा, तो कभी भी आप उसमें भी एस और ई एस लगाकर नहीं देखते होंगे, आप हमेशा कैसा देखते होंगे, टी आर आई ई एस ट्राइज, है ना। क्या किया है फिर इसमें, टी आर को रहने देते हैं, फिर वाई को हटा के आई लगाना है, और उसके बाद ई एस एड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस इसको हमेशा याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस, सॉरी, जिस वर्ड में प्लूरल बनाने को कहे और अगर लास्ट में वाई आता हो तो वहां पे क्या करने, क्या करेंगे, वाई को हटाना है, आई लगा के ई एस लगा देना है, ठीक है। चलिए तो अब जब हम लोग समझ चुके हैं तो मैं कुछ आपको लिखने के लिए देती हूँ, ठीक है।
बेबी का तो मैंने अभी आपको बताया है ना, क्या है आई एस लगा के बेबीज, अबे लेडी इसमें भी क्या करेंगे एल ए डी आई ई एस लेडी, अब है ट्राई, जैसे हम लोगों ने ट्राई बनाया तो इसका भी क्या बनेगा आई, वाई को हटा के आई और ई एस, ट्राई का तो अभी मैंने बताया आपको, ट्राई का फिर वाई को हटा के आई और ई एस, एफ आर फिर वाई को हटा के आई और ई एस, ठीक है बाकी जो बच रहा है मैं यहां पे लिख देती हूं, देखिए नया है फैमिली, फैमिली को कैसे बनाएंगे, फैमिली का एल तक लिखेंगे फिर वाई है, वाई को हटा के आई और ई एस फैमिली, सिटी है तो सिटी का वाई हटा के आई और ई एस सिटीज, ठीक है क्या है कंट्री, कंट्री में भी वाई को हटा के आई और ई एस, ठीक है बहुत ही इजी है। चलिए ये जो 10 मैंने लिखाया है इसको पहले नोट कीजिए, ठीक है चलिए, तो लिखिए आप लोगों ने इसे लिखिए तो वेरी गुड। अब जो है आपका होमवर्क जो है यही रहेगा कि जो ये मैंने आई ई एस वाला जो प्लूरल आपको बताया है ना उसको आप याद करेंगे, ठीक है बहुत इजी है और 10 ही मैंने लिखाया है, और भी बहुत सारे हैं जिनको मैं अगले क्लास में लिख पाऊंगी, ठीक है और भी बहुत सारे नियम है उनको भी मैं बताऊंगी आगे के वीडियोज में, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या रह गया कि ये जो प्लूरल्स हैं उसको याद करेंगे, साथ ही में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है जो मैंने आपको लिखवाया है उसको भी याद करेंगे डेफिनेशन और फिर याद करके सुनाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।